नमस्कार, मैं जय श्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का बागड़ पोस्ट। भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज व जिला परिषद चुनाव को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष ने बीलड़ी, सुंदरपुर व कुनबा क्षेत्र में सभा को संबोधित किया। चुनावी सभाओं में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। वार्ड नंबर 3 कनबा पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मण पुरा व सुंदरपुर मीना ने कांग्रेस ने जितने समय राज किया उनसे किसानों को कर्जा तो दिया नहीं परंतु कर्जे में जरूर ला दिया। कांग्रेस सरकार ने पेंशन लेने वाले वृद्ध लोगों को बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे, उसके बाद भी पेंशन नहीं मिलती, पर मोदी सरकार ने इस भ्रष्टाचार को खत्म किया। अब पैसा सीधे बैंक में आता है। उज्ज्वला योजना, किसान निधि योजना का पैसा सीधा अब खाते में आने लगा है। नरेंद्र मोदी ने हर तबके को लाभ पहुंचाया, चाहे वो एसटी हो या एससी हो, ओबीसी हो या मुस्लिम हो, सभी को लाभ दिलाया। तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राम धर्म को मानते थे वो आज उसका ही विरोध कर रहे हैं। मीणा ने कहा, गुमराह न हुए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, कतिपय लोग गुमराह कर रहे हैं व डूंगरपुर की शांति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस परिवारवाद पर चलती है और भारतीय जनता पार्टी ने आम कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर विजयी बनाया। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।